गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्कशीट, रिवीजन वर्कशीट 4 फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक. लेट्स स्टार्ट. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन बिलो. आपको क्या करना है, जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको रीराइट लिखना है ऑफ द इन द स्पेस गिवन बिलो. जो कि ये स्पेस नीचे दिया हुआ है, इस स्पेस में इनको दोबारा से लिखना है. कैसे करके? एकदम पर्टिकुलर ऑर्डर में, है ना, अरेंज करना है इनको. ठीक है, तो देखिए, एक क्रश इज पॉवर्टी. तो क्या है इसका, इसको हम करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनेगा? पॉवर्टी इज अ क्रश. नेक्स्ट बी, लाइक्स एवरीबडी रेड रोज. तो इसको हम मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा एवरीबडी लाइक्स रेड रोज. ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट नंबर सी, पॉलिसी इज द ऑनेस्टी बेस्ट. तो इसका हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है. ओके, आता है नंबर नेक्स्ट नंबर डी, स्वीट ग्रेप्स आई हैव अ बंच ऑफ. तो हमारा इसका मीनिंगफुल क्या बनेगा सेंटेंस, आई हैव अ बंच ऑफ स्वीट ग्रेप्स. मेरे पास क्या है, एक बंच ऑफ स्वीट ग्रेप्स, एकदम मीठे मीठे ग्रेप्स का एक बंच है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ई, इन द पिकॉक्स डांस फॉरेस्ट. तो देखिए, मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, पिकॉक्स डांस इन द फॉरेस्ट. पिकॉक्स क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में. नेक्स्ट सी, यू कैन एयर. तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसको करेक्ट ऑर्डर में हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, हम इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके कैसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा हमारा, कैन यू सी एयर, क्या तुम एयर देख सकते हो, हवा को देख सकते हो. नेक्स्ट, होली रिवर गंगा द इज ए. तो इसको हम इसका मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे करेक्ट ऑर्डर में लिख कर, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस है हमारा द गंगा इज अ होली रिवर. तो देखिए, द गंगा इज अ होली रिवर, है ना. नेक्स्ट एच, गॉड इज द विजडम गिफ्ट ऑफ. इसका क्या निकलेगा हमारा, क्या बनेगा सेंटेंस मीनिंगफुल, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. जो विजडम है वो किसका गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का गिफ्ट है. ठीक है, नेक्स्ट आई, नॉइसी दिस क्लास इज वेरी. तो देखिए, यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, दिस क्लास इज वेरी नॉइसी है. क्लास कैसी है, बहुत ज़्यादा नॉइसी है, मतलब शोर करने वाली है. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा जे, संत वाज अ ग्रेट कबीर. अब बताना है, देखिए यहाँ पर क्या बताना है, इसको हम मीनिंगफुल क्या है, मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, इसको करेक्ट ऑर्डर में हम कैसे रखेंगे, हम इसको करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कबीर वाज अ ग्रेट संत. कबीर कौन थे, एक ग्रेट संत थे, एक महान संत थे. तो कबीर वाज अ ग्रेट संत. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस रिविजन वर्क. नाउ यू विल डू दिस रिविजन वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक, नीटली एंड लर्न इट. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.